इस विशाल जनसभा और रैली के आयोजक राजाराम पाल जी, मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित समाजवादी और प्यारे भाइयों बहनों, आज ये इतनी बड़ी रैली हो रही है, ये आप लोगों को जागरूक करने के लिए है। आप लोग जागरूक हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको और जागरूक होना है। आज देश की जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो आपसे छिपे नहीं हैं। आज आप देखिए कि मैं एक कलाकार, जो आपने जिसको अलग अलग मंच से, टेलीविजन सीरियल से, हास्य के तमाम प्लेटफॉर्म से, वीडियो से, यूट्यूब से देखा होगा, लेकिन आज मुझे मैदान पे उतर के देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक कलाकार होकर के मुझे जमीन पे उतरना पड़ रहा है, और जिसको हमने जिम्मेदारी दी थी, वो तरह तरह के सूट पहन करके, तरह तरह के ड्रामाबाजी करके, इधर उधर फालतू में ड्रामा करते हुए हाथ हिलाते घूम रहे हैं। आज प्रदेश की जनता, आप लोग जिन चीजों से आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, बहुत सही, बस यही जोश बनाए रखना है, बहुत शानदार, यही जोश बनाए रखना है। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए, और बस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं यहां पर, दो मिनट में आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं, काफिला दिख गया होगा आपको। ये जोश बनाए रखिए, अगले दो मिनट तक तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जब तक उनका यहां पर आगमन। कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये समय, ये मोड़, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ, छोटे मंच के लोग, हाँ छोटे मंच पे खड़े ना हो आप लोग, बैठ जाएं, आप लोग अपना अपना स्थान, बैठ जाए, व्यवस्था बनाए रखिए, हाँ आप लोग बैठ जाए। मैं आज जो सबसे बड़ी समस्या है देश की, मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं देता हूँ, वो छोटी छोटी बातें करता हूँ मैं। सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की, है कि नहीं है? महंगाई के लिए मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगा, महंगाई के लिए दो लाइनें बोलना चाहूंगा, और इनके हालात बोलना चाहूंगा कि देखिए, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद।